हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर 4 का यूज़ करके लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे। ये इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम कोऑर्डिनेटर 4 को अपनी विंडोज़ के लोकल सर्वर ज़ैम्प में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटर 4 को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और कोऑर्डिनेटर 4 की साइट को ओपन करते हैं। फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद कोऑर्डिनेटर 4 के फ्रेमवर्क को इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं और इस तरह कोऑर्डिनेटर 4 फ्रेमवर्क डाउनलोड हो जाता है एक जिप फाइल में। अब हमें इस कोऑर्डिनेटर 4 फ्रेमवर्क की जिप फाइल को अपने लोकल सर्वर के रूट या htdoc फोल्डर में मूव करना है। मैं लोकल सर्वर के रूप में ज़ैम का यूज़ कर रहा हूँ, जिसे आप ज़ैम की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज़ैम को ओपन करने के बाद हम अपाची एंड MySQL के सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम इस एक्सप्लोरर के बटन पर क्लिक करके ज़ैम के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, जहां हमारा htdocs का फोल्डर होता है। इस फोल्डर में ही हम प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को रखते हैं। अब हम एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं और कोऑर्डिनेटर 4 फ्रेमवर्क की जिप फाइल को इस फोल्डर में मूव कर देते हैं। मूव करने के बाद इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इन सभी फोल्डर्स को उस फोल्डर में मूव कर देते हैं जो हमने अभी बनाया था। इसके बाद हम अपने लोकल साइट को ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि लोकल सर्वर में PHP 7.4 का यूज़ हो रहा है। अब हमें कोऑर्डिनेटर 4 के प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए अपाची सर्वर में वर्चुअल होस्ट को क्रिएट करना होता है। इसके लिए हम फिर से ज़ैम्प को ओपन कर लेते हैं और एक्सप्लोरर के बटन पर क्लिक करके ज़ैम्प के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, जहां हमें एक अपाची नाम से फोल्डर दिखेगा। इसे ओपन करने के बाद कॉन्फिग फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा के फोल्डर को ओपन करके वर्चुअल होस्ट की फाइल को एडिटर में ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद हम इस फाइल में सबसे नीचे चले जाते हैं और न्यू वर्चुअल होस्ट को बनाने के लिए इन 4 लाइनों का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमें पहले फोल्डर का पाथ देना होता है जो हम इस तरह देते हैं। उसके बाद हम अपने सर्वर नेम को डिफाइन करते हैं, जिसे हम अपने अनुसार दे सकते हैं, जो कि साइट URL की तरह होता है जिसके द्वारा ही हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर में रन होगा। इसके बाद हम सर्वर नेम को हमें अपने विंडोज की होस्ट फाइल में भी सेट करना होता है, तो इसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने सर्वर नेम और सर्वर के IP एड्रेस को होस्ट फाइल में सेट कर देते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है होस्ट फाइल एडिटर। वर्चुअल होस्ट को डिफाइन करने के बाद हम अपने अपाची सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं और फिर जो हमने सर्वर नेम डिफाइन किया था उस नेम को ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और इस तरह कोऑर्डिनेटर 4 का वेलकम पेज ओपन हो जाता है, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को अपने फेवरेट एडिटर में ओपन कर लेते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्चुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करता हूं। इस ऐप फोल्डर में ही हमारे कंट्रोलर मॉडल और व्यू फोल्डर होते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में हम वेलकम पेज की व्यू फाइल को ओपन करते हैं। इसके लिए हम अपने इस व्यू फोल्डर में जाना होगा और इसके अंदर वेलकम मैसेज .php के नाम से फाइल होगी, यही हमारे प्रोजेक्ट के होम पेज की व्यू फाइल है। तो इसमें हम कुछ चेंजिंग करके देख लेते हैं और इस तरह से हम होम पेज की व्यू फाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब हम अपने होम कंट्रोलर को ओपन करेंगे क्योंकि कंट्रोलर में ही हम व्यू फाइल को लोड करवाते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोलर के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जिसमें home.php नाम की फाइल होती है। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन में हमने वेलकम मैसेज की व्यू फाइल को लोड करवा रखा है, जिसे हमने अभी एडिट किया था। यानी कि जब हम ब्राउज़र में कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो होम कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन रन होता है और इसमें लोड होने वाली व्यू फाइल हमें ब्राउज़र में शो होती है। इसके बाद हम राउट फाइल को ओपन करेंगे, जहां पर प्रोजेक्ट के राउट्स को डिफाइन किया जाता है, जो कि कॉन्फिग के फोल्डर में होती है। इस फाइल का नाम है routes.php। हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर के रूप में होम कंट्रोलर को सेट किया गया है और नीचे की तरफ रूट के राउट को सेट किया गया है, जिसमें पहले रूट का नाम होता है स्लैश, यानी कि जब साइट का होम पेज ओपन होगा तो ये स्लैश के रूट को रन करेगा। इसके दूसरे पैरामीटर में हम अपने कंट्रोलर का पाथ डिफाइन करते हैं, जैसे कि इसमें दिया है होम कंट्रोलर का नाम और इंडेक्स उस कंट्रोलर में फंक्शन का नाम होता है जिसमें हमने वेलकम मैसेज की व्यू फाइल को लोड करवा रखा था।
यानी कि जब हम इस राउट को ओपन करते हैं तो ये होम कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन को कॉल करता है और इसमें लोड की गई वेलकम मैसेज व्यू फाइल को आपके सामने शो कर देता है। इस इंडेक्स फंक्शन में यदि आप व्यू फाइल को लोड नहीं करवाना चाहते हैं तो आप कस्टम मैसेज को भी इसमें दे सकते हैं इस तरह से। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेटर 4 को अपने लोकल सर्वर में सेटअप कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम यूज़र के रजिस्ट्रेशन पेज को बनाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।